कुछ समय पहले की बात है, कोशी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की भक्ति, आराधना और पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य दोनों घूमते घूमते एक अजनबी से देश में पहुंच गए। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा, तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू कर दिया। वह यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गया कि वहां लगभग सभी चीजें 1 रुपए सेर के भाव से बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध दही क्या, मिष्ठान, कोई भी चीज हो, सबका एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ही ग्रहण करते हैं, क्यों ना आज कोई 1 सेर मिठाई ही खरीद ली जाए। सो उसने सब्जियों के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी कुटिया पर पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ध्यान मग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितनी शीघ्र हो सके हमें इस स्थान को त्याग देना चाहिए। यह एक अंधेर नगरी है, लगता है यहाँ का राजा महा चौपट और महा मूर्ख धीराज है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। लेकिन शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है, यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन यहीं रह लूं। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा गंगाधर, टके शेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना ले, यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। और इतना कहकर गुरुजी ने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन के लिए निकल जाता और जो 1-2 रुपए प्राप्त होते उनकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीदकर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पी कर गंगाधर खूब मोटा ताजा हो गया था। एक दिन एक गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल को चर रही थी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलपती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने के लिए पहुंच गया। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था, फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और फिर जल्लाद से बोला, तो जा आसपास से जो भी मोटा व्यक्ति दिखाई पड़े उसे ही बुला ला और फांसी दे दे। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे, तब वहां वह तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों वहीं रुक गए और कोतवाल बोला, लो हो गया हमारा काम, मिल गया हमें शिकार। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल पर ले जाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो मुझे फांसी दे रहे हो? राजा बोले, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्ते पर तुम्हें ही चढ़ना पड़ेगा। उसे गुरुजी की बात याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए महाराज, मैं पहले अपने गुरु का ध्यान कर लूं।
उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा ना शेर भर मिठाई खाने का मजा, अब जैसा कहता हूं वैसा ही करते रहना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी बहुत मोटा ताजा हूं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे पहले फांसी के फंदे पर जाने दो। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे और दूसरी तरफ से गंगाधर खींच रहा था। गुस्से में आकर राजा बोला, फांसी के नाम से तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों हो कि फांसी पर चढ़ने के लिए मरे जा रहे हो, इसका क्या कारण है मुझे ठीक से बताओ। गुरुजी तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। बोले, राजन अभी का मुहूर्त हजारों वर्षों में कुछ क्षणों के लिए ही आया है, इस वक्त जो भी फांसी के फंदे पर चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो निरा मूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत देखी है आईने में अपनी, बड़े आए हैं 5 गुना राज्य प्राप्त करने के लिए और राजा बनने के लिए, अरे ठहरो मैं खुद फांसी चढ़ूंगा और तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल दिया और फांसी पर झूल गया। अब गंगाधर को गुरुजी ने धीरे से इशारा किया और दोनों चुपचाप वहां से खिसक लिए। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।